नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा क्राइम स्पेशल और मैं हूं प्रशांत कुमार। आज हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। झारखंड को वहीं के लोग बदनाम करने में जुटे हैं। आज जुर्म की जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो झारखंड के उस गांव से सामने आई है जिसकी सच्चाई देखकर आप चौंक जाएंगे। झारखंड का एक ऐसा गाँव जो झारखंड को बदनाम कर रहा है, जहाँ देश के आधे से ज्यादा राज्यों की पुलिस नजर रखी है, जहां के लिए पुलिस बाकायदा तैयारी कर रही है कि कैसे इस समस्या से निपट सके, कि कैसे इस पर काबू पा सके। आप भी देखिए एक ऐसे गांव की कहानी जहां महज एक क्लिक पर हो जाते हैं करोड़ों के वारे न्यारे। कहानी कर्माटांड की। तो अगले आधे घंटे तक देखते रहे पूर्व क्राइम स्पेशल। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जुर्म की दुनिया का बड़ा खुलासा। जी हां, झारखंड का एक गांव पूरे सूबे को बदनाम कर रहा है। हाल यह है कि पुलिस को इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ रही है, अलग से टीम बनाई जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाएंगे कर्माटांड की इनसाइड स्टोरी। कौन कर रहा है झारखंड को बदनाम? गैंग एक खड़ा हो गया है जिसमें अनपढ़ या लगभग अनपढ़ लड़के या थोड़ा सा ही पढ़े लिखे लड़के इस काम को कर रहे हैं और पूरे देश में झारखंड की बदनामी कर रहे हैं। सुर्खियों में झारखंड का एक जिला, पुलिस को कौन दे रहा है चुनौती? अपराधियों का गढ़ बना झारखंड का एक जिला। आप भी बन सकते हैं इनके शिकार। क्या है पूरा मामला? आज हम आपको उस सच से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने सभी को हैरान और परेशान कर रखा है, जिसने झारखंड को बदनाम कर रखा है। आलम यह है कि पुलिस भी कर्माटांड जाने से कतराती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है कर्माटांड की पहेली, कहां यह कर्माटांड और क्या है उसकी कहानी। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं जामताड़ा जिले के कर्माटांड। आप भी देखिए क्या है कर्माटांड का मामला। क्या है कर्माटांड की हकीकत? क्यों चर्चा में है झारखंड का कर्माटांड? पुलिस भी क्यों कतराती है कर्माटांड से? झारखंड की राजधानी रांची, रांची से करीब 250 किलोमीटर दूर है जामताड़ा। ये जिला आजकल सुर्खियों में है। जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर है कर्माटांड प्रखंड। आपराधिक घटनाओं के मामले में कर्माटांड का नाम करीब 3 दशक से बदनाम रहा है। 30 साल पहले ये इलाका छोटी मोटी चोरी, लूट, जुआ और लॉटरी जैसे अपराध में जाना जाता था, लेकिन फिर समय के साथ अपराध और अपराध करने का तरीका दोनों बदलता गया। आगे चलकर यहाँ के अपराधी नशा खुरानी गिरोह में भी काम करने लगे। इसके बाद 2012-13 से यहाँ के कुछ लोग साइबर अपराध से जुड़ते चले गए। अब हाल ये हो गया है कि देश में चाहे किसी भी हिस्से में साइबर फ्रॉड का केस हो, पुलिस एक बार कर्माटांड जरूर पहुँचती है। पुलिस ने हाल ही में एक ऐसे गैंग का खुलासा किया था। पुलिस के इस कार्रवाई में 30 से अधिक मोबाइल और लाखों में कैश भी बरामद हुए थे। मैं नारायणपुर का जीवा और कर्माटांड का मध्यटांड और देवलबाड़ी और दुखानी में छापामारी करी गई पुलिस के द्वारा, जिसमें 6 साइबर क्राइम के अपराधी और करीब 46 के आसपास मोबाइल और उन मोबाइल में डाली हुई सिम के अलावा 38 के आसपास से 3 लैपटॉप और 1 कंप्यूटर और करीब 3.5 लाख के आसपास कैश राशि बरामद की गई है और 2 लाख का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बरामद किए गए। कर्माटांड की हालत अब ऐसी हो गई है कि कोई भी थानेदार इस थाने में अपनी पोस्टिंग नहीं चाहता। हालांकि पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है।
लेकिन अभी इरादे में कामयाब नहीं हो सकी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अपराध की काली कमाई से यहां के कई घर रोशन हो रहे हैं। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। अब आप समझ तो गए होंगे कि यह मामला है क्या। जामताड़ा जिले का करमाटांड चर्चा में है, इसलिए नहीं कि यहां कोई बड़ा खजाना मिल गया हो, इसलिए नहीं कि इस गांव ने कोई उपलब्धि पाली हो, बल्कि इसलिए कि इस गांव की वजह से झारखंड का नाम बदनाम हो रहा है। केवल झारखंड की ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों की पुलिस यहां आ चुकी है। अब झारखंड पुलिस भी कमर कस चुकी है ताकि यहां के गुनाह को उखाड़ फेंका जा सके। झारखंड का जामताड़ा जिला इन दिनों खासा चर्चा में है। जामताड़ा जिले का एक गांव है करमाटांड। करमाटांड केवल झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के पुलिस के लिए चुनौती बन गया है, सिरदर्द बन गया है। यहां देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस पहुंच चुकी है। सभी के लिए करमाटांड एक पहेली है, एक चुनौती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है करमाटांड, तो हम आपको वो भी बताते हैं। साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिनों दिन जैसे तकनीक का विकास होता जा रहा है, वैसे ही साइबर क्राइम की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। हाल ये हो गया है कि कोई भी इसका शिकार बड़ी आसानी से हो जाता है। देखिए, साइबर क्राइम का मतलब कभी कभी हम लोग उसके बारे में समझ जो है उसमें कमी है। साइबर क्राइम ऐसा कोई भी क्राइम होता है जिसमें कंप्यूटर या डिजिटल मोबाइल का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से लगभग सभी क्राइम्स आजकल जो है साइबर क्राइम या साइबर फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं। लेकिन इसमें भी सबसे जो नुकसानदेह होता है वो फाइनेंशियल क्राइम्स होता है, जिसमें लाखों करोड़ों का साइफनिंग हो जाता है साइबर क्राइम करते हुए। दरअसल तकनीक बढ़ने के साथ हम उसके आदि होते चले गए, उसका इस्तेमाल बढ़ता चला गया। पता ही नहीं चला कि कब ये तकनीक हमारे जीवन में शामिल हो गया है। इसी का फायदा अपराधी उठाने लगे और फिर जन्म लेता है साइबर क्राइम। वो तकनीक के जरिए क्राइम को अंजाम देने लगे। दूर बैठकर किसी को भी बड़ी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है, ये तकनीक का ही खेल है। हम एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारे जीवन में आसानी भी हुई लेकिन जोखिम भी बढ़ता चला गया। हम हैकर्स और साइबर क्रिमिनल के शिकार होने लगे। अपराधी बड़े आराम से किसी के भी अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। ऐसे मामलों के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब आपको ये भी बता दें कि इन मामलों की तह में जाने पर पता चला कि जामताड़ा जिले का करमाटांड इन सब का गढ़ है। यही कारण है कि करमाटांड में पिछले कुछ समय में देश के कई राज्यों की पुलिस पहुँच चुकी है। ये जगह साइबर क्राइम के गढ़ के नाम पर कुख्यात हो चुकी है। झारखंड में स्पेसिफिकली कुछ ऐसे क्रिमिनल गैंग्स उभर कर आए हैं या अब पकड़ में आ रहे हैं जो साइबर क्राइम्स में लिप्त थे। जैसे कि आपने सुना होगा जामताड़ा में करमाटांड एक जगह है, वहाँ मुझे लगता है कि 36 राज्य एवं यूनियन टेरिटरीज में आधे से ज़्यादा राज्यों की पुलिस वहाँ पर आ चुकी है, केवल इसलिए कि वहाँ के ऐसे कुछ लड़के हैं जो लगातार सोशल इंजीनियरिंग करते हुए, फिशिंग करते हुए लोगों को ड्यूप करते हैं, उनके एटीएम के डिटेल्स ले लेते हैं और उसके बाद पैसा को साइफन कर लेते हैं। करमाटांड, जहां कई राज्यों की पुलिस पहुंच चुकी है, इस इलाके में वो लोग साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं जो खुद कम पढ़े लिखे होते हैं। मामला बड़ा दिलचस्प है, लेकिन अब पुलिस ने भी कमर कस लिया है, इस मामले की तह तक जाने का फैसला कर लिया है। पुलिस अब साइबर अपराधियों से निपटने की पूरी तैयारी कर रही है। जरूरी उपकरण और तकनीकी जानकार जुटाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ये सभी चीजें काम करने लगेंगी। इसके बाद वो दिन दूर नहीं जब करमाटांड में बैठे अपराधियों पर नकेल कसी जा सकेगी। अच्छी बात है कि आने वाले कुछ ही दिनों में हमारा साइबर क्राइम थाना सेटअप हो जाएगा।
टेक्निकल पर्सनल के लिए इंटरव्यू के डेट्स तय हो गए हैं। इंटरव्यू होने के बाद उनको बहाली कर ली जाएगी और मेरे विचार से एक हमारे पास साइबर लैब भी तैयार हो जाएगा, उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो गई है और सीआईडी में पहल शुरू हो गई है और नया साल आते आते हमारे पास साइबर क्राइम के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा जो कि एक्सपर्ट एडवाइस देते हुए एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। खास बात यह है कि यहाँ से जो लोग इन अपराधों को अंजाम देते हैं वो खुद कम पढ़े लिखे हैं। पुलिस की जांच में ये बातें सामने आई हैं। जी हाँ, ये चौंकाने वाली बात है लेकिन है बिल्कुल सच। ये लोग फोन डायरेक्टरी से कोई भी नंबर लेकर उस पर कॉल करते हैं, फिर उसके बाद ठगी का धंधा चालू हो जाता है। चिंता का विषय ये है कि वो कोई टेक्निकली क्वालिफाइड लड़के नहीं है, ये सब गाँव के लड़के हैं, लेकिन बहुत सिंपल है। फ़ोन उठाते हैं, एक डायरेक्टरी से किसी का भी रैंडम नंबर लेते हैं और आजकल एटीएम कार्ड हर आदमी के पास होता है तो उनसे पूछते हैं कि आपके पास स्पेशल एसबीआई का एटीएम कार्ड है। 5 में अगर एक आदमी बोलता है हाँ है तो उस पर वो उसका कहते हैं कि हम तो बैंक से बोल रहे हैं, आप एटीएम नंबर दे दीजिए। और गाँव का आदमी है या नौसिखिया आदमी है तो वो समझ नहीं पाता चाल को और वो अपना नंबर दे देता है और उसके बाद इसको एटीएम नंबर से वो लोग खरीदारी करने लगते हैं और पैसा जो है डाइवर्ट करते हैं। अब पुलिस इन अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है, लिहाजा उसने अपनी कमर कस ली है। साइबर अपराधियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। देखना यह है कि पुलिस की यह कोशिश कितना रंग ला पाती है। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। कर्माटांड की इनसाइड स्टोरी अभी बाकी है लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है। कर्माटांड गांव के लोग ऐसे हैं कि किसी की भी जेब खाली कर दे। जी हां, आजकल लगभग हर कोई एटीएम का इस्तेमाल करता है, इससे बैंकिंग लेन देन में सुविधा होती है, लेकिन इसी का फायदा अपराधी उठाने लगते हैं। वो एटीएम हैक कर किसी को भी चूना लगा देते हैं। ये मामला आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है, लेकिन चौंका देने वाली बात यह कि इस अपराध के माहिर खिलाड़ी झारखंड में रहते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है लेकिन पुलिस के लिए चुनौती खड़े करने में वो जरा भी पीछे नहीं है। अगर आप एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप सावधान हो जाएं। आप हो सकते हैं साइबर क्राइम का शिकार, अपने पैसों से धोना पड़ सकता है हाथ। महज एक कॉल और आपके खाते से पैसे गायब हो सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अपराधी बैंक के नाम पर फोन कॉल करते हैं और फिर आपसे आपके एटीएम के बारे में जानकारी पूछी जाती है। इसके बाद सारा खेल होता है। ये हैकर्स आपके अकाउंट से आपके सारे पैसे गायब कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे अपराधों को अंजाम देने में कर्माटांड के कई युवक माहिर हैं। 1 साल पहले पुलिस के हाथ एक ऐसा ही गिरोह लगा था। गिरफ्त में आए गिरोह ने पुलिस को बताया कि कैसे वो टेलीफोन डायरेक्टरी या फिर इंटरनेट से मोबाइल नंबर लेकर लोगों को कॉल करते हैं और फिर इसके बाद लोगों के अकाउंट से पैसे गायब कर देते हैं। उनको बोलता था बात करने के लिए, मोबाइल नंबर पे बात करता था। फोन लगा के पूछता बात कौन करता था, क्या बात बोलता था। वो लोग बोलता क्या था, फोन लगा देता था ना तुम, तो लोग क्या बोलता था। बस उसके बाद फिर पैसा कैसे तान लेता था। वो निकालता है जो जानता है, नेट चलाना।
ये मामला 2013-14 के आसपास सामने आया था। साइबर अपराध का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। तब ये शातिर अपराधी किसी भी अनजान शख्स को कॉल करते थे, लेकिन ये ध्यान रखा जाता था कि कॉल बिहार झारखंड के सर्किल से बाहर का हो, और फिर एटीएम कार्ड का नंबर और पिन पूछकर पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते थे। लेकिन जब पुलिस ऐसे मामलों को सुलझाने लगी, तब अपराधियों ने अपना तरीका बदल लिया। अब वो ऑनलाइन खरीदारी करने लगे हैं और मोबाइल रिचार्ज भी करवा रहे हैं। इसके लिए कर्माटाल के कई लड़के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे इलाकों में भी हैं। ये लड़के ऑनलाइन खरीदारी की गई सामानों को दुकानों में आधी कीमतों पर बेच डालते हैं। कहा जा रहा है कि इस गैंग में 40 से 50 लोग शामिल हैं। इतना ही नहीं, अपने गैंग में लड़कियों को शामिल करने के लिए यहाँ के युवा पढ़ी लिखी लड़की से शादी करते हैं और फिर उसे भी इसी काम में लगा देते हैं। पुलिस ने अब तक 20 से ज्यादा लोगों को कर्माटाल से गिरफ्तार किया है। पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके कर्माटाल के मामले पर पुलिस के मुखिया ने बैठक भी बुलाई। पुलिस बाकायदा इस बारे में रिसर्च कर रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक गांव के कई लोग इस अपराध को अंजाम देकर करोड़पति भी बन चुके हैं। दरअसल साइबर क्राइम से जुड़े लोग जेल जाने से भी नहीं डरते। जितनी उन्हें सजा होती है उससे ज्यादा मुनाफा होता है। दिक्कत इसमें यह है कि आईटी एक्ट में जो स्ट्रिंजेंसी है वो उतनी नहीं होने के चलते कुछ दिन के बाद कोई ना कोई बाहर निकल आता और फिर पुनः उसी कांड में लिप्त होने लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो कॉस्ट बेनिफिट है उसमें कॉस्ट, अगर उनको जेल जाने का कॉस्ट पड़ता है तो बेनिफिट उनको मिलता है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो जेल जाने से नहीं घबराते हैं और बार बार उसी कांड को करते हैं। तो इसमें कुछ और सोच कर, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके इन लोगों को जेल में रखने की कवायद करनी पड़ेगी और इसी पर हम लोग लगे। आजकल के युवा कम मेहनत में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। यही कारण है कि कर्माटाल में लोग इस अपराध में शामिल हैं। वैसे तो ये इलाका एक रिमोट एरिया है, लेकिन अपराध ऐसे बड़े होते हैं कि देश भर की पुलिस को यहां खाक छानना पड़ जाता है। जामताड़ा से देवाशीष के साथ सनी शारद, जी मीडिया, रांची। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद अब आपको सुनाते हैं कि ये हैकर्स कैसे किसी को कॉल करते हैं, कैसे बातों के जाल में उलझाते हैं और फिर जानकारियां निकलवाते हैं। दरअसल एक फोन कॉल से आपके अकाउंट से पैसे गायब किए जा सकते हैं। अगर आपने जरा भी लापरवाही बरती तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं, आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। लिहाजा आप सावधान रहें, सजग रहें, ताकि आप किसी साइबर अपराधी के हाथों शिकार ना हो। हम आपको इस कॉल की रिकॉर्डिंग इसलिए सुना रहे हैं ताकि आप सावधान हो सके, सतर्क हो सके। जी सर, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बात कर रही हूँ, SBI से। आप ATM कार्ड यूज कर रहे हैं SBI का? हाँ, कर रहा हूँ ना। उसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कॉल है सर, आपका ATM कार्ड चेंज किया जा रहा है और आपको न्यू कार्ड दिया जा रहा है। ठीक है। बाय सिक्योरिटी रीजन सर, सभी कस्टमर्स के कार्ड रिप्लेस करके नए कार्ड दिए जा रहे हैं डबल सिक्योरिटी के साथ। कार्ड के फ्रंट साइड पे आपकी फोटो पंच होगी एंड कार्ड के बैक साइड पर ट्रैकिंग आईडी की चिप दी जाएगी। ओके सर। ठीक है। एंड ये कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, कोई चार्जेस अप्लाई नहीं होंगे एंड आपके कार्ड की वैलिडिटी भी सर 2 इयर्स एक्सटेंड कर दी जाएगी। ओके ठीक है।
जी सर, उसी के रिगार्डिंग वेरिफिकेशन कॉल है। अभी आप मेरे साथ लाइन पे रहेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सर इमीडिएटली मैसेज रिसीव होगा बैंक की साइड से, ओके, जो आपको मुझे वेरीफाई करवाना होगा। एंड देन आपके पास सेकंड मैसेज रिसीव होगा जिसमें मेरा नेम, मेरी ब्रांच का नेम, मेरी एम्प्लॉय आईडी सब वेरीफाई होगा, ओके। एंड विद इन टू वर्किंग डेज में आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे न्यू कार्ड डिलीवर किया जाएगा हमारे एग्जीक्यूटिव के थ्रू। तब तक आप अपना पुराना कार्ड सर इजिली यूज कर सकते हैं, ओके। एंड वेरिफिकेशन में सर मैं ओनली ओपन वेरिफिकेशन करूंगी, कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल आपसे कंफर्म नहीं की जाएगी, एंड ना ही आपका कोई पिन या पासवर्ड, एंड वो आपने शेयर भी नहीं करना है कभी किसी के साथ। होंगे तो कार्ड कैरी कर रहे हैं अभी, कार्ड है आपके पास, आपका है ना कार्ड है सर अभी आपके पास, है ना। देख लीजिएगा आपके कार्ड पे वीजा लिखा है, मेंस्ट्रो लिखा है, वीजा लिखा है आपके कार्ड पे। देखिए आपको कार्ड नंबर दिया गया सर 16 डिजिट का, 4591 से स्टार्ट है। बराबर है, ओके। आगे आप कंफर्म करवाइए 4591 5। फिर आगे बोलो आप। आप कंफर्म करवाइए सर, एक ऑडिबल लाइन पे कस्टमर के एंड से ओपन वेरिफिकेशन करना कंपलसरी है, मुझे अथॉरिटी नहीं है आपके सर डिटेल शेयर करने की। नहीं, मैं अपना नंबर क्यों बताऊं आपको। तो नहीं सर, वेरिफिकेशन मैं ओनली ओपन वेरिफिकेशन कर रही हूँ, कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल आपसे कंफर्म नहीं की जा रही है, मैं आपका कोई पिन या पासवर्ड, ओके। यदि आपका एटीएम कार्ड है सर, तो नहीं सर, ये आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है, एटीएम कार्ड है। एटीएम कार्ड क्यों यूज करूँ वो, आप एक काम करो, आपकी ऑफिस का एड्रेस दीजिए, कौन सी ब्रांच से आप बात कर रहे हो। मैं एड्रेस से बात कर रही हूँ, मुंबई से है, एड्रेस मुंबई से बात कर रही हूँ। एड्रेस बोलिए, क्यों आप एड्रेस में आएंगे। हाँ बोलिए, एड्रेस बोलिए, कौन सी ब्रांच से बोल रहे हो बताओ आप। हाँ पूरा एड्रेस बताओ। मेरा नाम है सर अमित शर्मा। अमित शर्मा, क्या डेजिग्नेशन है आपकी उधर। नहीं, वो तो बात सही है, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ आपका पूरा नाम क्या और आपकी डेजिग्नेशन क्या है और आपका एड्रेस बोलो, आप कौन सी ब्रांच से बोल रहे हो। देखिए सर, एड्रेस मैं आपको बता दूं, मुंबई हेड ब्रांच से बात कर रहे हैं। पूरा एड्रेस बताओ, पूरा एड्रेस बताओ, कौन सी ब्रांच, हेड ब्रांच कौन सा एरिया, और ब्रांच कोड बोलिए आपका। सर फोन रखो, अभी टाइम नहीं जरा, मैसेज आ गया बंदी का, ये नंबर मैं क्राइम में दे रहा हूँ। आपने ये फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सुनी, अब हम आपको सुनाते हैं कि ऐसे साइबर क्राइम के मामलों पर पुलिस क्या कहती है। हमने जानना चाहा कि पुलिस कर्मा टांड को लेकर कौन से कदम उठा रही है। हमने सीआईडी के आईजी से बात की, उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। हाल ही के दिनों में कर्माटांड के बारे में जो सूचनाएं मिली उसके मुताबिक जो एटीएम के थ्रू या एटीएम नंबर जान करके पैसा ट्रांसफ़र करने का अकाउंट की बात है, उस तरह की शिकायत इस एरिया के बारे में आई है। इसके बारे में जामताड़ा एसपी को सेंसिटाइज किया गया है और एक टीम उनको दी गई है, कुछ उनको डायरेक्शंस भी दी गई हैं ताकि इस प्रॉब्लम को हैंडल किया जा सके। पुलिस विभिन्न पहलुओं में इस पहलुओं पर जांच इस मामले में कर रही है। आम लोग हैं उनमें अवेयरनेस के लिए भी वर्कशॉप्स इत्यादि की जाती हैं, इवन आरबीआई इत्यादि जो भी बैंक्स हैं वो भी अलर्ट्स इशू करते हैं। मेरा ये कहना होगा कि आपसे कोई भी आपका पासवर्ड पासकोड पूछे एटीएम का, कभी भी वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। थंब रूल है, इसको अगर सब लोग समझ रहे तो मैं समझती हूँ इन फ्रॉड्स को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि अपना पासकोड कभी भी किसी को डिस्क्लोज आप नहीं करें। आप इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग या फिर एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान रहें, किसी भी फोन कॉल पर बात करते समय पूरी सावधानी बरतें ताकि जुर्म से महफूज रह सके। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।